तो ये रजाई ऊपर से भीगने के बाद इसका वजन तो 4 गुना हो जाता है। पता नहीं कुप्पी ये सब कैसे कर लेती है। रजाई धुलने से ज्यादा खुद ही धुली जा रही है। गोपी बहू ये रजाइयां धोना बंद कर दो। लेकिन माँ जी कल आप ही ने तो कहा था कि सारी रजाइयां धोने वाली हो गई है इसलिए धो लो। मैंने कहा था गोपी बहू, लेकिन अब से 1 सप्ताह तक तुम मेरा कोई भी काम नहीं करोगी। इसी बीच गोपी बहू तुम वो काम करोगी जो मोटा भाभी तुमसे करने के लिए कहें। काकी जी आप कहीं जा रही है? नहीं राशि, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। मैं पूरी तरह से यही हूं, लेकिन अब मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी गोपी बहू मोटा भाभी की जिम्मेदारी है। राशि ये मेरी मां और बा का निर्णय है, इसीलिए मोटा भाभी के पास जाओ गोपी बहू और वो तुम्हें जो काम करने के लिए कहे वो करना। नानी भाभी वो बा ने आपको बुलाया है। ठीक है मैं आ रही हूं, जाओ तुम। और तुम राशि अपने हाथ का पहले ये काम पूरा करो और उसके बाद तुम रजाइयां धोगी। आपने मुझे बुलाया? हाँ कोकिला, मुझे रेवती से पता चला कि राशि की माँ कुछ ऐसा बोल रही थी, उनके घर में खाना गर्म करने में बहुत समय लगता है और हमारे किंजल का सारा समय इसी में चला जाता है। फिर तो किंजल को परेशानी होती होगी ना कोकिला? बा आप क्यों चिंता कर रही हैं? हमारी किंजल समझदार है, जो भी करना होगा वो करेगी और वैसे भी अब उसका ससुराली उसके लिए उसका घर है, तो वहां जो भी सुख सुविधाएं हैं या नहीं उसी में संतुष्ट रहने की उसे आदत डाल देनी चाहिए। बराबर ने बा? बराबर। किंजल का लगन हो चुका है, अब वो पराए घर की हो चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे लिए गैर हो गई है। उसके सुख दुख से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी बात नहीं है बा, आप ही ने सिखाया है ना कि लड़की अपने पीछे जो घर छोड़कर जाती है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। शादी करके जिस घर में वो कदम रखती है वो ही उसका अपना घर है और अपनी हैसियत के भीतर रहकर उसे उस घर को एक सुंदर घर बनाना है और ये गुण हर लड़की में होना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन जब सासरे वाले है आगे बढ़कर अपनी परेशानी की बातें करने लगे तो फिर डिक्री वाले का भी कोई फर्ज बनता है। वैसे भी कोकिला हमारे लिए उर्मिला बेन की मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। अच्छा चलो मांगनी बात जवा दे, सबसे बड़ी बात ये है किंजल मोदी परिवार की बेटी है, उसे ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए उसकी शादी करके अपना पल्ला ही झाड़ लिया। समझी गई? जी बा।
अरे भगवान, इतना सारा सामान अकेले कैसे करूंगी? किंजल दिख रहा, जरा रसोड़े में आना। जी, आ गई तू? ये देख तो, रसोड़ा कितना घिचपिच लग रहा है। अरे रसोड़ा तो साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो नहीं नहीं दिख रहा, मैं तो ये इसलिए कह रही थी कि थोड़ा हाथ चला दे और ये सारा सामान थोड़ा ऐसी जगह रख दे कि इस तरह थोड़ी जगह बन जाए। जगह पर क्यों? अरे ये नए जमाने की छोकरियां भी ना बाल की खाल निकालती रहती है। अरे तेरी सास ने बोला कि जगह बना दे तो बना दे। हाँ चल, जल्दी जल्दी हाथ चला। उस काम की चीज के लिए जगह तो बनानी ही पड़ेगी ना। फिर मैं उस मिसेस देसाई की बच्ची को एक कप काली बिना शक्कर की चाय पर बुलाऊंगी और दिखाऊंगी, देख मेरे रसोड़े में भी माइक्रो आ गया है। जरा काम कर, हो जरा आऊ। हाँ राशि, दिख रहा बोल, पर जरा जल्दी जल्दी, मैं जरूरी काम में फंसी हुई हूँ। अब क्या बोलूं मम्मी, मैं बेचारी तो बस दो पाटों के बीच पिसे जा रही हूँ। एक तो वो कागड़ी और अब दूसरी उसकी चील मैया। पर हुआ क्या? अरे तेरे पीछे की आवाज कैसी? मम्मी अब मैं आपको क्या बताऊं, इस कागड़ी ने मुझे रजाई धोने का काम दे दिया है। मम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, गोपी ये सब कुछ कैसे कर लेती है। मेरे तो कर्म ही फोड़े हैं मम्मी, मैंने आज तक कभी सपने में भी नहीं देखा था कि रजाई धुलती कैसी है, मुझे क्या पता। लेकिन ये गोपी का काम तू क्यों कर रही है? वो क्या है ना मम्मी, आज से मैं कागड़ी की जिम्मेदारी हूँ और गोपी हेतल मम्मी की। जरूर ये दिमाग उस दोषी का ही होगा। हाँ मम्मी, इस दोषी का ही दिमाग है। ये मत भूल, वो दोषी दिखने में मरती गिरती लगती है, पर वो है बड़ी ही मूरत। उसके आँख कान नाक ज़बान सभी बड़े तेज है। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तेरी ये बड़बड़ सुन ली और तेरा संदूक पाने का सपना सपना ही रह गया। जो दिख रहा, अब कुछ पाने के लिए थोड़े बहुत पापड़ तो बेलने ही पड़ते हैं ना। जरा आजू बाजू देख कर फोन किया कर, अरे कहीं कोई आ गया, कहीं किसी ने देख लिया तो। नहीं मम्मी कोई नहीं। अब देख, ये किसे खबर थी कि उस कागड़ी के ऊपर चील मैया आकर बैठेगी और तुझे दोनों की कांव कांव झेलनी पड़ेगी। पर कई बांधो नहीं, सबर और हिम्मत से काम ले, ऐसे घबराती क्यों है? मैं हूं ना तारी मम्मी। एक मिनट, दिख रहा दिख रहा, अभी तो मैं फोन रखती हूं, अभी तो मेरी दिली मुराद पूरी होने का समय आ चुका है। जरा खुश तो हो लूं मैं। हाँ चल, बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्ण। जी ये वो गरम पेटी, मेरा मतलब है माइक्रो है ना। राजपाल नगर तो यही है ना। कैसी बातें करते हो, पूरे राजकोट में कितना फेमस है राजपाल नगर मालूम है?
और तुम ये सवाल पूछ रहे हो मुझसे? आइंदा मत पूछना। हाँ यही है। आ क्या? किंजल दिख रहा? देखना ये गरम करने वाली मशीन आ गई। ये सरस्वती दोषी आप ही है ना? सरस्वती दोषी? हाँ। नहीं तो? वो 14/11 तो यही है ना? नहीं ये तो 16/11 है। माफ करना बहन, वो सरस्वती दोषी बहन के घर पहुंचाना है। क्या है कि उनको लकी ड्रॉ में लगा है। वैसे ये 14/11 किधर है? आगे से बाहर निकल के दाएं की तरफ। ओके सॉरी। हाँ वैसे सबकी किस्मत सरस्वती दोषी जैसी थोड़ी ना होती है ना आंटी?